टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलेक ने बिग बॉस 14 की ट्रॉफी जीत ली है। रुबीना बिग बॉस के सबसे स्ट्रॉन्ग दावेदारों में से थी और पहले से यही संभावना जताई जा रही थी कि ये एक्ट्रेस ही इस सीजन की विजेता बनेंगी। कल बिग बॉस का फिनाले हुआ और राहुल वैद्य को हराकर रुबीना ने ये सीजन जीत लिया। बिग बॉस की चमचमाती ट्रॉफी के साथ रुबीना ने 36 लाख की प्राइज मनी भी जीती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रुबीना ने बेशक 36 लाख रुपए जीते हैं, लेकिन टैक्स काटने के बाद ये प्राइज मनी कम हो जाएगी, यानी उन्हें पूरे 36 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। चलिए जानते हैं रुबीना आखिर कितने लाख रुपए घर ले जाएंगी। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बिग बॉस जीतने के बावजूद रुबीना को प्राइज मनी पूरा नहीं मिला है। इस शो का प्राइज मनी 50 लाख है, लेकिन राखी सावंत की वजह से 14 लाख पहले ही कम हो चुके हैं। रुबीना को जो 36 लाख मिले हैं उसमें से भी भारी रकम टैक्स में चला जाएगा। गौरतलब है कि अगर आप लॉटरी, ऑनलाइन या टीवी गेम शो आदि से प्राइज मनी जीतते हैं तो ये अन्य स्रोतों से इनकम के तहत कर योग्य आय मानी जाती है। कितना टैक्स कटेगा उसे समझने के लिए हमें नियमों को जानना होगा। याद रहे कि इस वक्त इनकम टैक्स के दो नियम चल रहे हैं, एक पुराना और दूसरा नया, जिससे पिछले बजट में सरकार ने पेश किया था। ये उपभोक्ता की मर्जी है कि वो चाहे जिसके तहत अपना ITR फाइल करे। पुराना टैक्स स्लैब, इसके मुताबिक सब काटे जाने के बाद रुबीना अपने घर 36,80,775 रुपए ले जा पाएंगी। नया टैक्स स्लैब, इसके मुताबिक सब काटे जाने के बाद रुबीना अपने घर 27,50,000 अपने घर ले जाएंगी। अब रुबीना के ऊपर है कि वो किस टैक्स स्लैब को अपनाती हैं, लेकिन वो निवेश के हिसाब से नए या पुराने स्लैब को अपनाएंगी। बिग बॉस से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।